तो हेलो दोगलियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और नई सुबह के साथ हम अपने नए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज है भाई यहाँ पोथिंग का मेला, बहुत ही बड़ा मेला रहता है देवी भगवती माँ का। तो आज हम जाने वाले उधर और उधर करेंगे बहुत सारी मस्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो अभी चलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा धो के आप तैयार होते हैं और चलते हैं। अभी मैं सिंपल लुक में जाने, ज़्यादा कुछ करने नहीं। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नहाने के बाद और तैयार होते हैं। आज हमारे साथ आ रहे हैं बिट्टू भैया की गाड़ी में जा रहे हैं। बिट्टू भैया, नीरज भैया और मुन्ना भैया भी आने वाले हैं। तो भैया के साथ जाने वाले हैं नब्बू भैया। तो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं नहाते धोते हैं और ठंडे पानी से बहुत नहा तो डर लग रही है, चलते जल्दी से नहाते हैं। तो दगड़ियों, हो गए हैं हम तैयार और नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं और अब जाते हैं बिट्टू भाई के साथ। नीरज भाई और मुन्ना भैया जी तो चले गए आगे से, नॉर्मल सा लुक है भाई, नॉर्मल बन के जा रहे हैं, कोई ज़्यादा मिले वेले के लिए ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं है, लेकिन बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं तो देखते हैं चलते हैं बिट्टू भैया के साथ। तो दगड़ियों, अभी हम जा रहे हैं पोथिंग के मेले में विथ बिट्टू भैया। तो भाई यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है, ध्वस्त हो चुकी है बिल्कुल ही। और मतलब कभी कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि गाड़ी निकालने दो, गाड़ियों का आने जाने तो मतलब इम्पॉसिबल सा है। तो अगर मेरी वीडियो कोई विधायक जी तक पहुँचा सके तो विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ की रोडों की थोड़ी मरम्मती करा दीजिए। अगर कोई मतलब पेशेंट टाइप का आ गया जिसकी मतलब नेक में या इधर पेन वेन होगा तो वो तो मतलब ख़त्म हो जाएगा उसका, तो यही बताना था। लेकिन खूबसूरत भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है मतलब पहाड़ की। तो आपको कुछ क्लिप शॉट दिखाए जाते हैं और चलते हैं पोथिंग के मेले में। प्यारा पहाड़, अभी हम जा ही रहे थे तो अभी बहुत सारे लोग घर को भी जा रहे हैं, तो हमारे दिल को बहुत ही दुख हो रहा है। हमें लग रहा है कि हम जरा लेट में पहुंच गए हैं, बट लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता हम सही टाइम पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ समझ नहीं लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सुबह मौसम बहुत ख़राब हुआ था, अभी धूप लग रही है, कहीं पर धूप लग रही कहीं पर छाव हो रही, जा रहे हैं देखते हैं। सो दगड़ियों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेले में और अभी देख रहे होंगे आप पीछे से बहुत सारे लोग जा रहे आ रहे, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। तो चलते हैं अभी अंदर क्या होता है देखते हैं। okay.
नीचे से ऊपर तक पैरों से लेके। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम सोपाती, सोपाती बोलते हैं पहाड़ी में, तो कोथिंग के मेले में। यो बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन अभी अभी हैं बहुत सारे, कुछ वहाँ उतना बड़ा मेला चल रहा है भाई लोग लूडो खेलते। सो गाइस ये रहा मंदिर का, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा। पहले आप धारा थी यार, सीढ़ी बना जाते। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुके हैं। गाइस देख रहे हो आप पीछे से पूरा ग्राउंड फैला दिया, मतलब पहले यहाँ पे बिल्डिंग थी यार। ये रहा अपना मंदिर, अपन हाल ही में बनाया ये। और पीछे से चाची चल रही है यहाँ पर। तो गाइस ये हमारी पहाड़ की संस्कृति, जुड़ा चाची की बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सालों से चली आ रही है चाची की। हमारे यहाँ का लोक नृत्य भी है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो गाइस अभी भेंट रेट तो चढ़ा दी हमने, और मंदिर परिसर द्वारा मना किया जाता था कि मंदिर के अंदर भी फोटो ना ले, तो इसकी वजह से नहीं ली गई है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं और फिर करते हैं आते। बहुत ज़्यादा भीड़ उड़ गया, ऊपर तक पानी लग रखी है, बहुत ही मतलब बुरी टाइम का लग रहा है। बारिश लगने लगी अभी अभी भाई, घूमे जा रहे घूमे, जल्दी कोई छाया छतरी ढूंढो, छतरी कहाँ से ढूंढे, देखो सब भागने लगे। A few moments later. तो गाइस अभी बारिश पड़ रही है, आप पीछे से लोग भाग गए, देखो हम दोनों यहाँ पर चले होटल भी चले, भूख लगी कुछ खाए भी तो नहीं, देखते क्या होता है। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद बारिश रुक चुकी है, अभी जा रहे हैं हम ऊपर कुछ खाने। दोबारा बारिश लगी, दोबारा बारिश लगी। दादी या दादी जी दुकान पे रुके थे, तो दादी से पूछा हमने कि मतलब दुकान दुकान कैसी चलती, तो ठंडा ही चल रहा है, तो ठंडा चल रहा है। गर्मी जाना, गर्मी मिल गया, चार तारीख को है गर्मी का लास्ट, चार तारीख को है, तो उधर ही मिलेंगे, तो चलते हैं। गाइस बारिश की वजह से व्यापारियों में निराशा बहुत ज़्यादा। तो दगड़े अभी बारिश लगी और अभी भी मतलब चाचरी चली रही है छाता पकड़ के, तब भी यहाँ पे बीच में तो गाइस डेडिकेशन देख रहे हो, डेडिकेशन देखो भाई फोटो खींचने की। नो 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 बेटा भाई साहब मैं चाहे भाई इन पे तो पूरा कपड़ा भेज दें हम। तो अभी भैया जी लोग मिले हैं, मिलना भैया आगे से
अभी तो धूप लगी अच्छी खासी अभी तो धूप लगी अच्छी वाली बाबा जी कृपा अरे आलू डालते हैं खाते हैं उसके बाद टेस्टी टेस्टी आलू अभी खा लिया आलू और आलू खाने के बाद अभी चाउमीन मंगा रखे चार हाफ चाउमीन खाने के बाद हम जाएंगे मंदिर पे बस घूम ले अब बारिश भी बहुत ज़्यादा लगी बाहर से तो भूख भी लगी थी थोड़ा इतनी खुशी मुझे आज तक अब रख ये ले तो गाइस यहाँ पर बनाई जा रही है जलेबी पहाड़ी अपनी चाउमीन गरम गरम बहुत ज्यादा गरम खाते माता की यहाँ पर यात्रा निकाली जाएगी पीछे ढोल मुख्य आवाज सुनी रहे होंगे तो अभी यात्रा निकाली जाएगी पर कहीं जोड़ना जो पानी बना करते हैं वीडियो नहीं बना पाएंगे लेकिन उसके बाद सीन बोलता है हमारे वहाँ इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा होती है वो बनाई जाएंगी और वो ले जाते हैं मतलब घर सारे सीख रखते हैं माता के आशीर्वाद के तौर पर तो अभी वो लिया जाएगा और अभी तो बहुत टाइम है मतलब A few moments later. अभी तो मिलने लग गया यहाँ पर और बहुत लंबी लाइन लगी यहाँ से साइड में निकल चुका हूँ यहाँ पर अभी सीट लेने के लिए सभी लोग यहाँ पर लाइन लगाते हैं मैं भी लगता हूँ कई लाइन में यहाँ पर ऊपर से माता को स्थापित मंदिर में ले जाया जा रहा है ऊपर के मंदिर में जय माता की प्रेम से बोलो जय माता की सुनियो कौन है वो पता नहीं कौन है तुम पीछे देखो पीछे आधा घंटा ही स्ट्रगल करने के बाद जूतों के आम से अभी दिखाऊंगा आधा घंटे स्ट्रगल करने के बाद भाई ये मिला और अभी चल रहे घर नीरज भाई लोग मुझे पता नहीं कहाँ पर मिलेगी चलते देख तो भाई अभी लेते हैं माता से अभी और नीरज भैया लोगों को देखते हैं तो मिलते हैं और देखते हैं वहाँ पर अभी तो भाई देख लो आप ये जूते की हालत पूरा अंदर से गीला गीला नीरज भैया लोग अभी गाड़ी में वहाँ पर वेट करेंगे तो आई थिंक मुझे ब्लॉगिंग पर एंड करना चाहिए वो आपको ब्लॉग पसंद आया होगा सभी अपने अपने घर जाने लगे कोई कुछ अरमान लेके आए थे कोई कुछ अरमान छोड़ के जा रहे लेकिन माता से मिला जो आशीर्वाद होता है वो सभी को यहाँ से मिलता है जय माँ भगवती